सो अभी तक हमने CDF, PDF, रैंडम वेरिएबल ये सब चीजें देख ली है, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, अब मुझे इस ये सब से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नथिंग बट एक तरीके से आप ये कह लो कि आप एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हो, एवरेज निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मान लो so you can say that you're just trying to find average, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली एवरेज निकालते हो, तो मान लो मैंने एक बारी डाई थ्रो किया, ठीक है, एक बारी थ्रो किया, आया 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हैं। अगर इसका एवरेज निकालना है तो आप क्या करते हो, इन सबको सम कर देते हो और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं उतने से डिवाइड कर देते हो। Did I resume recording? Okay. Yes, I did. Okay. So आप क्या करते हो, ये सारे नंबर्स लिए, इन सबको ऐड किया और 6 से डिवाइड कर दिया, राइट। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 / 6, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 1 × 1/6 + 2 × 1/6 + 3 × 1/6, एंड सिमिलरली ऐसे ही चल रहे हैं, एंड 6 × 1/6, राइट। This is the same as me saying this, right? Yes. तो जब आपके पास जब आप सैंपल पिक करते हो और वैल्यूज आती हैं, उस टाइम आप ऐसे एवरेज निकालते हो। लेकिन जब भी हम रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, एक तरीके से चीजों को वेट दे रहे हैं कि अच्छा अगर मान लो एक हेड मतलब एक कॉइन टॉस किया, तो क्या पॉसिबिलिटी है, हेड आएगा या टेल आएगा। मान लो मेरा रैंडम वेरिएबल इज हेड आया या नहीं आया, ठीक है। सो जीरो वैल्यू जो है किस किस प्रोबेबिलिटी के साथ आती है, 1/2, और 1 किस प्रोबेबिलिटी के साथ आती है, 1/2, राइट। सो क्या हो रहा है, एक तरीके से जब आप कॉइन्स को टॉस करोगे, मान लो एक बार टॉस किया, तो 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है, विद हाफ हाफ चांसेस, ठीक है। सो एवरेज एक तरीके से क्या हो गया, यू आर सेइंग कि 0 इज कमिंग विद हाफ प्रोबेबिलिटी प्लस 1 इज कमिंग विद हाफ प्रोबेबिलिटी। सो आपका एवरेज क्या हो गया, हाफ। सो दिस इज सिमिलर टू मी सेइंग कि मैंने अगर एक कॉइन 2 बार टॉस किया, 0 आया 1 आया, इसका एवरेज निकाल दो। So 0 + 1 / 2. So this random variable का average निकालने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, जो भी आपकी possible values हैं, अगर आप उनको weight दे दो कि इसका इतना weight है, इसका इतना weight है, 2 का इतना weight है, 3 का इतना weight है, तो आप एक तरीके से weighted average निकाल रहे हो, राइट। सो जब आप ये सब numbers को add कर रहे हो इस तरीके से, तो यहाँ पे आप वेट कितना दे रहे हो, एवरी नंबर इज गेटिंग अ वेट ऑफ 1/6। सो जब आप एवरेज निकालते हो, तब भी आप वेट देते हो नंबर्स को, जो भी आपके सो आपका यूजुअली वेट क्या होता है, 1 / (what is the total नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो हर एक ऑब्जर्वेशन को आप इक्वल वेट दे देते हो, राइट। बट प्रोबेबिलिटी में अगर आप बोल रहे हो कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो यू गिव मोर वेट टू दैट नंबर, राइट। That is how you find the expected value. So expected value निकालने का जनरल तरीका क्या है, अगर ये केस है मेरे पास, if this is the case that I have, then मेरे बोलने का मतलब क्या होगा कि मेरा जो नंबर है 1, उसको मुझे वेट कितना देना चाहिए, 0.1, कि इसके आने के चांसेस इतने हैं, तो इसको इतनी वेटेज दे दो, और वेटेज दे दी प्रोबेबिलिटी से 0.1, प्लस नंबर 2 आने के कितने चांसेस हैं, 0.2, सो उसकी वेटेज कितनी दे दो, 0.2। इस तरीके से हो रहा है। नंबर 5 के आने का वेटेज कितना दे दिया, 0.2। और सम ऑफ वेटेज, हर एक नंबर को जितनी जितनी वेटेज दे रहे हो, सम ऑफ दैट वेटेज शुड बी 1, विच इज टोटली द केस बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। सो ये जो नंबर आएगा इसको कैलकुलेट करके, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड वैल्यू और यू कैन से द एवरेज वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। सो एवरेज वैल्यू को एक तरीके से आप ऐसे कैसे सोच सकते हो कि अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट आप बहुत बार रन करो, बहुत बार करो, तो जितनी बार जो भी जितने बार रन किया उसका जब आप एवरेज वैल्यू निकालोगे तब आपके पास योर नंबर विल कम क्लोजर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज द लॉजिक। सो मान लो हेड्स टेल्स टॉस कर रहे हो, पहली बार कॉइन टॉस किया तो मान लो आ गया हेड्स। हेड्स को हम क्या बोल रहे थे, हेड्स को हम 0 बोल रहे हैं, हेड्स को हम 1 बोल रहे हैं। तो मान लो पहली बार टेल आ गया, ठीक है, दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार मान लो टेल आ गया, फिर से टेल आ गया, फिर हेड आ गया, हेड आ गया, ऐसे चलते जा रहे हैं, राइट। तो अगर मान लो बहुत बार ये कर लिया और फिर जितने भी नंबर्स आए उन सबका जब आप एवरेज निकालोगे देन यू विल सी दैट जो एवरेज आएगा आपका दैट विल स्टार्ट कमिंग क्लोजर टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। आर यू गेटिंग समथिंग, आर यू गेटिंग सम लॉजिक बिहाइंड इट? कि जिस नंबर के आने के जितने ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, मतलब सैंपल में उसको आप उतना ज्यादा बार देखोगे। अगर मान लो हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी 1 है तो क्या कभी टेल दिखेगा? No. नहीं। तो जिसके आने की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा, मतलब आपके चांसेस हैं यू विल सी दैट नंबर मोर एंड मोर ऑफन व्हेन यू पिक अ सैंपल। इसीलिए जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा उसको एवरेज निकालते टाइम उतनी ज्यादा वेटेज आप दे रहे हो, ठीक है। सो दिस इज एक तरीके से कह सकते हैं एन इंट्यूशन ऑफ व्हाट दिस ऑल मींस। एंड इसमें कोई भी डाउट गाइस, लाइक एनीथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इन द स्टोरी एट लीस्ट, ठीक है। इफ नॉट देन आई विल आई विल राइट द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू नाउ। सो अभी तक जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट वाज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ बैकग्राउंड बिहाइंड एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। शैल वी मूव अहेड? यस मैम। ओके, चलो जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन देख लेते हैं। और प्रॉब्लम ये है ना, प्रॉब्लम एक्चुअली इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, सो बिकॉज वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब यही सेम कॉन्सेप्ट CDF, PDF, एक्सपेक्टेड वैल्यू, वेरिएंस, सेम कॉन्सेप्ट कॉन्टिन्यूस में भी लगने वाले हैं, ठीक है। सो वहां पे फिर हमें ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये होता क्या, फिर हम सिंपली बस कैलकुलेट करके निकल जाएंगे, राइट। इसीलिए इस चीजों को थोड़ा टाइम देके समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है? चलो, लेट x बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल with set of possible values d, उसके पॉसिबल वैल्यूज जो है उसका सेट, उसको उसके सेट को हम बोल रहे हैं d, ठीक है। एंड इसका PMF, probability mass function is given by px, ठीक है। then the expected value or you can say mean value या average value of x would be, इसको denote करते हैं expected value of x और mu x or you can say just mu, ये 3 तरीके से इसको represent करते हैं। it is nothing but expected value of x is equals to mu x is क्या करो, सम करना है किसको, जो एक्स नंबर है उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस सेट डी। ठीक है, दिस इज व्हाट यू डू। सो एक्स की वैल्यू जो जो भी पॉसिबल है उस वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। Whatever you get is called the expected value of that random variable x. All right? Yes or no? This is the definition of expected value. अब कुछ चीजें हैं जिनको लेके आपको confuse नहीं होना है। Expected value का मतलब ये नहीं होता कि आप जब वो वाला रैंडम वेरिएबल जब वो वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो वो वैल्यू दिखेगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कि अगर वो एक्सपेरिमेंट बार 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 किया जाए तो जो एवरेज निकलेगा नंबर्स का जो आपको मिले उसकी जो वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के क्लोज होगी। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू डजंट मीन यू विल गेट दैट नंबर व्हेन यू डू दैट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स When you do that experiment multiple times, तो जो आपके पास numbers आ रहे होंगे उनका जब आप average लोगे वो इस number के काफी नजदीक होने के chances हैं। This is what is meant by expected value. All right. And एक तरीके से इसको कैसे समझ सकते हैं, expected value can be thought of as long run average observed value of x when the experiment is performed repeatedly. तो जब ये एक्सपेरिमेंट को बहुत बार परफॉर्म करोगे तो जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट इज क्लोज टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, दिस इज व्हाट इट मीन्स। Yeah, apart from that we can say, पहले तो ये बताओ इसमें कोई भी डाउट लगी, ये चीज समझने में कोई भी डाउट है अभी? Okay. All right. तो अगर किसी ने ऐसा बोल दिया कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स is nothing but summation px into x for all x belongs to b। ये होती है आपकी expected value। ठीक है, मान लो किसी को expected value नहीं of x नहीं निकालनी, मान लो is interested in finding the expected value of a function of this random variable। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आपका जो रैंडम वेरिएबल था वो ये था व्हाट यू गेट व्हेन यू थ्रो अ डाई। ठीक है, सो क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट? एंड ईच पर्टिकुलर नंबर हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/6, राइट? तो अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ number you get when you throw a die? What is that value? What is this expected value? कैसे निकालूंगी मैं, ये क्या करना है? What is my number into what is its probability, right? And I'll keep doing it. What is my number? My number is 2 के आने की probability 1/6 प्लस नंबर क्या है 3 के आने की probability 1/6। ऐसे ये चीज चलती जा रही है, right? प्लस 6/6। Then what is this going to be? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू जो आएगी? मैम अगर हेड्स और टेल्स का एग्जांपल होता है तो उसमें कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू? तो अगर हेड्स और टेल्स है, मान लो मेरा एक्सपेरिमेंट है हेड्स या टेल्स, एक कॉइन फ्लिप किया और रैंडम वेरिएबल मान लो ये है x is नंबर ऑफ हेड्स मान लो, ठीक है? तो नंबर ऑफ हेड्स, अगर मान लो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 मतलब एक भी हेड्स नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक भी हेड नहीं आया मतलब टेल आया है, तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। एंड सिमिलरली x इज इक्वल्स टू 1 मतलब एक हेड आया है और हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2, राइट? तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालना है, दैट इज नथिंग बट आपकी x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड यू कीप डूइंग फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। सो एक्स की वैल्यू 0 आ रही है और 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। प्लस एक्स की वैल्यू 1 आ रही है, 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ। तो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी? हाफ। हाफ। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू इज हाफ, राइट? तो पीडीएफ के जो नंबर्स हैं उसको उनके रिस्पेक्टिव एक्स वैल्यूज से मल्टीप्लाई करो और उनको ऐड करो, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। नाउ टेल मी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू इन दिस केस? $3.5. Everybody is getting this only? Right? चलो इस केस में प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? हाउ विल यू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू हियर? क्या करना है? इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस whatever number comes, that is your expected value, right? Yes or no? All right. तो अब मैं मान लो मेरा एक एक्सपेरिमेंट था क्या, डाई थ्रो करना। तब डाई अगर थ्रो कर रही थी तो नंबर आ रहे थे 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6, ठीक है? अब दिस इज माय रैंडम वेरिएबल x. इफ समबडी सेज प्लीज फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर, राइट? तब हम लोग क्या करेंगे? एक तरीका तो ये है कि ठीक है यार, देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो एक्स जो था एक रैंडम वेरिएबल था, राइट? एक्स स्क्वायर जो है क्या वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा? तो हम ये देखते हैं कि एक्स स्क्वायर बेसिकली पॉसिबल वैल्यूज लेता क्या क्या है। सो एक्स की वैल्यू जब 1 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1। जब x की वैल्यू 2 है तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? कम ऑन कीप टेलिंग मी। 4, यस और नो? 9 16 25 36, राइट? यस, राइट। और मुझे पता है कि ये वैल्यू आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 कब आएगी? जब एक्स की वैल्यू 1 होगी। और एक्स की वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो सिमिलरली डू यू अग्री कि ये सारे नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी यही है? यस मैम। राइट। तो अब मैं अगर आपको बोलूं, तो अब मैंने आपको क्या दे दिया? मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे दी, ये प्रोबेबिलिटी दे दी और ये नंबर्स भी दे दिए। तो अगर आपको मैं बोलूं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो, तो निकाल दोगे? और अगर निकाल दोगे तो कैसे निकालोगे? मैम एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके और उनका ऐड कर देंगे। तो मतलब क्या करना है? 1 × 1/6 प्लस 4 × 1/6, राइट, प्लस 9 × 1/6, ऐसे चलते जा रहे हैं। कहाँ तक चले गए? 36 × 1/6, राइट। और इसको जो भी ऐड करके आया उसको मतलब जो भी हमारा नंबर आएगा उसको लिख सकते हैं, राइट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? दिस इज 1 × 1/6 प्लस 2 स्क्वायर्ड × 1/6 प्लस 3 स्क्वायर्ड × 1/6। Can I keep doing this? Right? Yes. तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि बिकॉज मुझे यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना पड़ा था, कैन आई डू दिस कि वॉट एवर वॉज माई फंक्शन, एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स का समेशन। For all x which belongs to D, can I do this? Yes, ma'am. तो अब क्या हो गया? मैंने जनरल तरीका निकाल लिया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का। कुछ नहीं करना, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको यहाँ पे लाओ और प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एक्स यूज करो और मल्टीप्लाई करके ऐड करो। तो अगर कोई एक जनरल फंक्शन दिया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, अगर आपको एच एक्स निकालनी है तो वो क्या होनी चाहिए यूजिंग द सेम लॉजिक? समेशन, व्हाट शुड इट बी? hx into px. Very nice. So hx into px, right? कि आप ये आपका फंक्शन hx वैल्यू कब लेता है? इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट hx हैपनिंग, राइट? एवरीबडी इज अग्रीइंग टू दिस? यस। चलो जी, बहुत बढ़िया, सबने एग्री कर लिया। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो एच एक्स है ये ऐसा कुछ हो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मान लो ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला? सो माई एच एक्स हियर इज ए एक्स प्लस बी। तो क्या करना चाहिए मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए? समेशन ए एक्स प्लस बी इंटू पी एक्स। समेशन ए एक्स, अब जब यहाँ पे हम कैपिटल एक्स लिखते हैं, जब यहाँ पे चले जाते तो हम स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी इंटू पी एक्स, राइट। and for all possible values of x belongs to D. Everybody is fine with this? Yes? No? Yes. ठीक है, चलो जी एक स्टेप और आगे बढ़े। मैं इसको थोड़ा सा अगर एक्सपैंड करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दिस इज इक्वल्स टू समेशन x belongs to D ax into px plus b into px, right? Yes. Yes. अब क्या हो गया? अब मैं ये समेशन क्या दोनों पे अलग अलग लगा सकती हूँ? बिल्कुल लगा सकती हूँ। क्या किया, इसका समेशन कर लो प्लस इसका भी समेशन कर लो, राइट? Yes or no? Yes. तो अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अब ये अगर होगा तो क्या होगा, a इंटू पहले x की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू प्लस a इंटू एक्स की वैल्यू पी एक्स की वैल्यू a इंटू प्लस प्लस प्लस, तो हर जगह a a a आ रहा है, तो मैं a को बाहर लेके आ सकती हूँ। Can I write it like this? Yes or no? Yes, ma'am. And similarly, यहाँ पे क्या हो रहा है? B into P पहली x plus B into second x plus B into B भी हर जगह आ रहा है, तो B को भी कॉमन ले सकते हैं, plus B summation x belongs to D P x, right? अब मुझे ये बताओ ये वैल्यू क्या है? What is this? Does this look familiar? Yes, yes ma'am. What is this? Expectation of x. Expected value of x plus b into ये क्या है कि आप हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी को सम कर रहे हो, तो हर एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की प्रोबेबिलिटी को अगर सम कर दोगे तो क्या आएगा? वन। तो देयर It should be one. So हमने क्या प्रूव कर दिया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इज दिस, राइट? Yes or no? Okay. So yeah. This is what we needed to do and इस तरीके से अलग अलग तरीके से आप expectation जो है निकाल सकते हो, ठीक है? So I think yeah guys, that's it for today's class.